जिस प्रकार वास्तुशास्त्र होता है उसी प्रकार चाइना में भी एक वास्तुशास्त्र है जिसको फेंग शुई के नाम से जानते हैं। फेंग शुई के अनुसार कई ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं और जिन पौधों को लगाने से सुख समृद्धि आती है। फेंग शुई द्वारा दी गई पौधों की लिस्ट में टॉप पर जो पौधा है उसको क्रैसुला ओटा के नाम से जाना जाता है। ये वही क्रैसुला ओटा पौधा है। आप देखिए कितना सुंदर पौधा है। इसके पत्ते मुलायम और मोटे साइज के होते हैं। फेंग शुई के अनुसार क्रैसुला ओटा को मनी प्लांट के रूप में लगाया जाता है जो पैसों को अट्रैक्ट करता है। ये मान्यता है कि जब घर में इस पौधे को लगाया जाता है तो ये चुंबक की तरह पैसों को अट्रैक्ट करता है। ये भी मान्यता है कि जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है उस घर में इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। क्रैसुला ओटा के इस पौधे की दो वेराइटीज़ होती हैं। एक ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल वेराइटी का क्रैसुला ओटा है, और एक वेरीगेटेड क्रैसुला ओटा होता है जिसके पत्ते किनारों से रेड कलर के होते हैं। दोनों ही वेराइटीज़ के क्रैसुला ओटा के पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरा क्रैसुला ओटा का पौधा दिखा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इस पौधे की कैसे केयर की है। आप देख सकते हैं इस पौधे की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और इस पौधे का कोई भी पत्ता जो है वो सूखा नहीं है। किसी भी पत्ते की टिप ब्राउन नहीं हुई है और सभी पत्ते चमकदार और हरे भरे बने हुए हैं। इस पौधे को जब आप लगाते हैं तो पहले ये जान लें कि ये पौधा एक सैकुलेंट होता है। सैकुलेंट वो पौधे होते हैं जिनके पत्तों में पानी रहता है और इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इनके लिए सोयल भी स्पेशल बनानी पड़ती है, इस प्रकार की सोयल जिसमें पानी डालते ही वो आसानी से बाहर निकल जाए। मैंने भी इस पौधे को ऐसी ही सोयल में लगा रखा है। जब भी मैं इस पौधे में पानी डालता हूँ तो वो थोड़ी देर बाद ही गमले से बाहर निकल जाता है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड सोयल बनाने के लिए सिंपल गार्डन सोयल में कोकोपीट और रिवर सेंट की मात्रा अधिक मिक्स कर लें। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको वार्म क्लाइमेट पसंद होता है। गर्मी के मौसम में देखिए अब इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जब सर्दी का मौसम होता है तो ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। मैंने इस पौधे को एक बड़े पेड़ के नीचे रखा हुआ है जहाँ पर इसके ऊपर फिल्टर्ड सनलाइट गिरती रहती है। इस पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो ये पौधा सूख जाएगा, और ना ही आप इसको छाया वाली लोकेशन में रखिए जहाँ पर बिल्कुल भी ब्राइट लाइट नहीं आती हो। इस पौधे को खुली हवादार ब्राइट लोकेशन में रखिए। दिसंबर मंथ में मैं इस पौधे की छोटी सी सीडलिंग लेके आया था जो मुझे 40 रुपये में मिली थी। अब आप देखिए 3 महीने में इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। यदि आप इस समय इस पौधे को ख़रीदने जाओगे तो कम से कम 200 से 300 रुपये में ये पौधा हमें मिलेगा। यदि मैं इस पौधे की ब्रांच को प्रून कर देता तो शायद इसकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। बिना किसी प्रूनिंग के ही आप देखिए इसकी नई नई ब्रांचेज अपने आप ही निकल रही हैं। इसकी ब्रांचेज को कट करके नए नए पौधे बना सकते हैं और इसके एक पत्ते से एक नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इस पौधे में फ्लावरिंग भी होती है, मगर जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है तो ही इसमें कभी कभार फ्लावरिंग देखने को मिलती है। यदि आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हो तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगा लीजिए। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके ये पौधे लग जाएंगे। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।